ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती। माननीय प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात, और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई तो उनसे पूछा गया, वहां के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट को का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है, कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीजों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते, उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।